मेजर लीग क्रिकेट के फाइनल में निकोलस पूरन ने अपने बल्लेबाजी से लाया तूफान। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर मात्र इतने गेंदों में ही ठोका शतक। पूरन की बल्लेबाजी देख थर्राए गेंदबाज। अपने विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत दिलवाई अपनी टीम को जीत। तो कैसी थी मेजर लीग के फाइनल में निकोलस पूरन की बल्लेबाजी और कितने गेंदों में शतक जड़कर पूरन ने रचा इतिहास, बताएंगे आपको इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें हमारे साथ। अमेरिकन फ्रेंचाइजी क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग मेजर लीग क्रिकेट अपने अंजाम तक पहुंच चुकी है, जहां रविवार को इस लीग का फाइनल मुकाबला खेला गया, जहां हमें T20 लीग मुकाबले का सबसे रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। जी हां, आपको बता दें कि IPL के तर्ज पर शुरू हुए इस लीग क्रिकेट में कमोबेश उन्हीं फ्रेंचाइजी की टीम है जो IPL के दौरान टीम का मालिकाना हक रखती है। ऐसे में रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में मुंबई इंडियंस की मेजर लीग टीम MI न्यूयॉर्क और CHL ऑक्स टीम अपने सामने थी, और इसी मुकाबले में मुंबई के कप्तान निकोलस पूरन का तूफान देखने को मिला। ऐसे में आपको बता दें कि पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई की विपक्षी टीम CHL ओकर्स ने क्विंटन डिकॉक के बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत 20 ओवर के निर्धारित ओवर्स में 184 रनों का लक्ष्य MI न्यूयॉर्क को दिया, जिसके जवाब में उतरी MI न्यूयॉर्क की शुरुआत खराब रही और जीरो पर अपना पहला विकेट गंवा देने के कप्तान निकोलस पूरन ने अपनी टीम की बल्लेबाजी का जिम्मा अपने कंधों पर उठाया और आते ही गेंदबाज पर टूट पड़े और मात्र 55 गेंदों में 137 रनों की धमाकेदार पारी खेल डाली। ऐसे में आपको बता दें कि पूरन की ये पारी इस कारण भी इतने चर्चा का कारण बनी हुई है क्योंकि इस पारी की बदौलत इस बल्लेबाज ने सारी हदों को लांघते हुए गेंदबाज को इस कदर कुटाई की कि गेंदबाज को ये समझ नहीं आ रहा था कि गेंद डाले कहां। ऐसे में आपको बता दें कि निकोलस पूरन ने अपने इस विस्फोटक बल्लेबाजी के दौरान 13 गगनचुंबी छक्के जड़ डाले, और सिर्फ इतने से उनका मन नहीं भरा तो अपनी बल्लेबाजी स्किल्स का प्रदर्शन करते हुए इस बल्लेबाज ने 10 लाजवाब चौकों की प्रदर्शनी लगाई थी, और इसी तरीके की विस्फोटक बल्लेबाजी की मदद से निकोलस पूरन ने MLC में कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए, जिसमें सबसे अधिक रन बनाने से लेकर सबसे तेज 50 मारने का भी रिकॉर्ड अपने नाम किया। पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए इस बल्लेबाज ने 388 रन बना डाले, जिसने इस खिलाड़ी को इस लीग के सीजन का सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज बना डाला है, और इसी के साथ मात्र 16 गेंदों में अर्धशतक जड़ इस बल्लेबाज ने सबसे कम गेंदों में ये कारनामा करने का भी रिकॉर्ड अपने नाम किया। पूरन की इस बल्लेबाजी को देखकर भारतीय टीम भी अब सदमे में आ गई है। वैसे आपको बता दें कि तीसरा वनडे मुकाबला 1 अगस्त यानी मंगलवार को खेला जाना है। इसके बाद भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 मुकाबले खेलती नजर आएगी, जहां निकोलस पूरन वेस्टइंडीज टीम के कप्तान होने वाले हैं, और ऐसे में देखना दिलचस्प होने वाला है कि फ्रेंचाइजी के बाद जब ये बल्लेबाज अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी करने को तैयार होता है तो फिर भारतीय टीम की क्या श्यामत लाता है। वैसे आप निकोलस पूरन को भारतीय टीम के लिए कितना बड़ा खतरा मानते हैं, हमें अपने जवाब कॉमेंट में जरूर बताइए, और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।